सेलेब्स ने अटेंड की इफ्तार पार्टी, कंगना की फैमिली आउटिंग, शिल्पा ने देखी गुड्डू रंगीला, बी टाउन सेलेब्स आए एक साथ, रिचा बनी चीफ गेस्ट, SRK गिव्स इफ्तार पार्टी अ मिस, सुल्तान के लिए इंटरनेशनल स्टंट कोऑर्डिनेटर, रणवीर सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना बर्थडे, श्रद्धा इन मकाओ, कैबरे का फर्स्ट लुक स्टिल, इमरान अवंतिका गए लंदन, अक्षय और तापसी आएंगे एक साथ, संजय किसे करेंगे लॉन्च, ईशा का काइंड जेस्चर, आयुष्मान के भाई का बॉलीवुड डेब्यू, सलमान नहीं करेंगे ट्रैवल, वेलकम बैक का फर्स्ट लुक पोस्टर, ऋतिक और हनी सिंह आएंगे एक साथ, जैकलिन करेंगी चैरिटी, नरगिस बनी ब्रांड एम्बेसडर। बॉलीवुड के कई एक्टर्स को एक साथ देखा गया बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी को अटेंड करते हुए, आइए देखते हैं इसकी एक झलक। कंगना रनौत को हमने उनकी पूरी फैमिली के साथ स्पॉट किया बांद्रा के एक रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए। यहाँ कंगना ने पहली बार उनके पेरेंट्स के साथ किया मीडिया के लिए पोज। तो दूसरी तरफ हमने शिल्पा शेट्टी को स्पॉट किया मुंबई के एक मल्टीप्लेक्स से बाहर निकलते हुए। दरअसल शिल्पा यहाँ आई थी फिल्म गुड्डू रंगीला देखने। शिल्पा के साथ हमने उनके हबी राज कुंद्रा को भी स्पॉट किया। मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर, रंजीत और कई सेलेब्स को हमने स्पॉट किया हिंदी प्ले सब गोलमाल है की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए। टेक अ लुक। द वर्ल्ड डांस सेंटर की 5th ईयर सेलिब्रेशन का हिस्सा बनी बॉलीवुड एक्ट्रेस रिचा चड्ढा। टेक अ लुक। शाहरुख खान इस साल बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी अटेंड नहीं कर पाए as he had to leave for Bulgaria where he is shooting for film Dilwale. SRK and Salman Khan had created news with their much talked about camaraderie at the same party in the last 2 or 3 years. सलमान खान की फिल्म सुल्तान के लिए इंटरनेशनल स्टंटमैन लार्नेल स्टोवाल को रोप इन कर लिया गया है एंड सलमान मेट अप विद लार्नेल रिसेंटली इन मुंबई। लार्नेल ने द हंगर गेम्स और मैक्स स्टील जैसे हॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। रणवीर सिंह इज टर्निंग 30 टुडे एंड ही इज इन लंदन विद हिज फैमिली सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। रणवीर की लेडी लव दीपिका पादुकोण ने भी उन्हें लंदन में ज्वाइन किया है। वी विश द फनी गाय ऑफ बॉलीवुड अ वेरी हैप्पी बर्थडे। श्रद्धा कपूर इन दिनों मकाओ में अपनी फैमिली के साथ वेकेशन मना रही हैं। Here are a few fun pics. इस पिक्चर में ये सेंशुअल लड़की और कोई नहीं बल्कि रिचा चड्ढा है एंड दिस इज अ स्टिल फ्रॉम हर अपकमिंग फिल्म कैबरे जिसमें रिचा एक कैबरे डांसर का किरदार निभा रही है। उनकी वाइफ अवंतिका ने रिसेंटली लंदन में चल रहे विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट को अटेंड किया। यहाँ उनकी मुलाकात फरहा खान और टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा से हुई। अक्षय कुमार और तापसी पन्नू जिन्हें हमने एक साथ बेबी फिल्म में देखा था अब दोबारा साथ नजर आएंगे मगर किसी फिल्म में नहीं बल्कि एक मोटर कंपनी के कमर्शियल में जिसकी शूटिंग जुलाई एंड से शुरू होगी। फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली अब वेटरन एक्टर विनोद खन्ना के तीसरे बेटे साक्षी खन्ना को बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म होगी। एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने उनकी हाउसमेट की बेटी की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया है एंड शी विल फाइनेंशियली सपोर्ट द चाइल्ड। ईशा एलैबोरेटेड, आई फील एवरी चाइल्ड नीड्स प्रॉपर एजुकेशन। एजुकेटिंग अ गर्ल चाइल्ड मींस एजुकेटिंग द फैमिली। खबर मिली है कि आमिर खान स्टारर दंगल से बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं आयुष्मान खुराना के छोटे भाई अपार शक्ति खुराना। एक थिएटर एक्टर होने के साथ अपार शक्ति एक रेडियो जॉकी भी है। कहा जा रहा है कि सलमान खान इस ईद पर उनकी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं और इसीलिए वो उनकी फिल्म बजरंगी भाईजान का प्रमोशन करने के लिए इंडिया के डिफरेंट सिटीज में ट्रैवल नहीं करेंगे। सो ही विल बी प्रमोटिंग द फिल्म थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम मुंबई।
सामने आ गया है अनीस बाजमी की मच अवेटेड फिल्म वेलकम बैक का फर्स्ट लुक पोस्टर, जिसमें जॉन इब्राहिम के साथ नजर आ रहे हैं नाना पाटेकर, परेश रावल और अनिल कपूर। ये फिल्म 4 सितंबर को रिलीज होगी। यो यो हनी सिंह अपने नेक्स्ट सिंगल की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ फीचर करेंगे ऋतिक रोशन, और ये आशिकी फिल्म का कल्ट सॉन्ग धीरे धीरे से का रीमिक्स्ड वर्जन होगा। जैकलिन फर्नांडिस ने ये डिसाइड किया है कि फिल्मों में पहने उनके कुछ आइकॉनिक आउटफिट्स का वो ऑक्शन करेंगी और जिसके प्रोसीड्स एक चैरिटी को दिए जाएंगे। खबर मिली है कि एक्ट्रेस नरगिस फाखरी को एक मेजर स्किन केयर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है, और इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट बहुत जल्द की जाएगी। स्टाइल ऑफ करण जौहर। इस मूवी का नाम है दिलवाले ऑफ द ईयर। OMG, बाबूजी, लेट मी गो। You really want to go? I really want to go. You really want to go? I really want to go. I mean, I don't even think this guy can like afford Prada. You know what I mean? Oh no. You really want to go? Yeah. Okay, shall I go? Just FaceTime me, okay? I'll FaceTime you, बाबूजी, I love you. देखते हैं डीडीएलजे इन द स्टाइल ऑफ अनुराग कश्यप। इस मूवी का नाम है गैंग्स ऑफ दिलवालेपुर। अरे हमें जाने दो पिताजी, कह के लेंगे साले ट्रेन बाकी। अरे तुमसे नहीं हो पाएगा ससुरी, लौंडिया का काम नहीं है ये भागम टाउन। रिमेंबर इट मैन, टेक वन। रिश्ते में कौन तुम्हारे बाप होते हैं? दाम को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, सुहागन के सर का ताज होता है। चुटकी सिंदूर। ये फॉर्चून के अंडे जब खोलेंगे इसमें से निकलेगी एक चिट, चिट के अंदर होगा सवाल, सवाल के देना पड़ेगा जवाब। तो आइए कुछ एक्टरों के दिमाग की बनाते हैं भुर्जी। प्लीज ओपन विद अ स्माइल। ऐसी कोई दो लड़कियों का नाम बताइए जिन पर बचपन से आपको क्रश है, जिनके लिए आप कुछ भी कर सकती हैं। लड़कों लड़कों सीट्स लड़कों का नाम, हाय मजा आ गया, ये वापस मानना। ऐसी दो लड़कियां जिन पर मुझे क्रश है वो है माधुरी दीक्षित एंड ऑफ कोर्स श्रीदेवी, एंजेलिना जोली, रेखा जी, हेमा मालिनी जी। आप अगर किसी आइलैंड पर फंस जाएं तो आप किसको चाहते हैं साथ में, कौन हो? श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट या मोनीश बेल? Why Monish Bhel? What do you think I'm from? I'm from what's that picture called? Dostana? Monish Bhel. Monish Bhel. ऐसा क्यों? मतलब कि आपने सत्रह का पहाड़ा सुनाइए। हाँ जी। अरे अगर मेरे को सत्रह का पहाड़ा पता होता तो मैं आईफा अवार्ड में एक्टर थोड़ी बन रहा होता है यार। ऐसे दो एक्टर जिनकी एक्टिंग आपको बहुत खराब लगती है, ये फॉर्च्यून थोड़ी है। उसकी काली काली आंखें, उसके लाल लाल होंठ, उसके गोरे गोरे गाल, स्वीट स्वीट स्माइल। लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइगर श्रॉफ। डोले वावा, सिपी की शोले बाबा, सैफ की बेगम वावा, सैफ का एक्सेंट वाव वाव, पवार की दाढ़ी वावा, रोहित की गाड़ी हवा, बैंग बैंग का एक्शन वावा, एक्शन जैक्सन। बिफोर यू लीव दीपिका, एक छोटी सी चीज, मैं इनको थोड़ा इंप्रेस करना चाहता हूँ।
सुबह सुबह तुम्हारी यादों से मेरा चेहरा रोशन होता है, क्योंकि बाबा हर मोशन से जुड़ा एक इमोशन होता है। आए आए। दीपिका आप चलिए, यहाँ हो रहा है टुच्चा काम, आगे बढ़ते हैं, रंगीन है शाम, राम चाहे लीला, लीला चाहे राम। सनसनीखेज खुलासा, क्या आलिया भट्ट है आर्या भट्ट की बेटी? What? क्योंकि आर्या भट्ट की मैथमेटिक्स की तरह आलिया भट्ट की जीके भी है एकदम जीरो। Of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere, because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own Baba Siddique. Hattu le aad mainu golden jhum ke. Oh, oh. Main kanna vich paava chum chum ke. Lauren. Request a paya ve. The honest truth is, जब भी मैं आपको वीकेंड स्टोरी पर मिलती हूँ मुझे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि ऑलवेज वी गेट टू डू इंटरेस्टिंग थिंग्स टुगेदर। That's true. And I'm really looking forward to today's weekend story. अब मैं क्या करूँ? I'm very happy to be presenting the film here, but I'm a little sad it's over.